ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश चौधरी की हत्या के बाद सोमवार को उनकी आत्मा की शांति के लिए विकास भवन में शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संघ के पदाधिकारियों द्वारा स्वर्गीय अनीश चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनीस को न्याय दिलाने के साथ SSP के साथ मिलकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के संबंध में बात किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह को अनीश चौधरी के हत्यारों की गिरफ्तारी के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे, बिना मास्क के तो कोई भी साथी नहीं रहेगा। कि हस्तांतरण नीतियों पर ध्यान दिया जाए, आवश्यकता न पड़े तो हस्तांतरण न किया जाए और सुरक्षा की दृष्टि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, रेडियो पंचायत, रेडियो SP साहब, इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं घटित होगी तभी हम निरंकुश होकर के काम कर सकते हैं, अन्यथा हम सभी काम बाधित करने के लिए तैयारी पर बैठे हैं। दोनों सोमवार का महामंत्री होने के नाते मैं आपका कृतज्ञ और आभारी हूँ। मैं इसी कड़ी में इस चौधरी के संवेदना में व्यक्त करें आगे का कार्यक्रम बढ़ाए। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये उड़िया गया उसको मैं जब परसों पता लगा मुझसे बड़ा दुख हुआ। उन लोगों से बात भी की थी, कुछ लोगों से अंदर से बड़ा मतलब एक पेन फील था। उसका एक कारण ये है कि कुछ साल पहले इसी तरह के दौर से मैं भी गुजरा और शायद कुछ कुछ सिमिलरिटी थी इसमें। मैं उसको बड़ा फील कर पा रहा था, क्या बड़ा अंदर से आत्मा को बड़ा पेन फील कर रहा। अब इसकी मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगर हम लोग इसमें जो जिसने भी ये किया है उसको उसकी जो वाजिब सजा वो दिला पाए। उसकी भी मेरी SSP साहब के साथ उसी समय मुलाकात होती थी, बाद में मैं उनके साथ DRDP गया था और बाद में इवनिंग में मेरी बात हुई है DM सर से ही मेरी बात हुई। दोनों अधिकारी हमारे बहुत ही सीरियस है इस चीज़ को लेकर, तो सुनना जल्दी हम लोग इसमें लगे हैं। कल भी मैंने इसको एक बार फिर बात की थी सर, अभी हम क्या करेंगे कि आपके जितने पदाधिकारी जो जाना चाहेंगे SSP सर से मैं टाइम दे दूँगा, जब वो टाइम देंगे तो हम लोग एक बार मिल लेंगे, आप लोग के साथ मिल लेंगे। ये तो आपने मुझे दिया है लेकिन ये हम लोग प्रैक्टिकली सर को मिल के एक बार बात करके ब्रीफ करें। और जो आप लोग कल घर पे गए, अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग घर को पूरा सपोर्ट करें। बहुत बड़ी ये एक घटना है किसी भी घर के लिए और हमारा फर्ज बनता है इंसानियत के तौर पे भी सपोर्ट करना। हमारे साथी हमारे बीच में नहीं रहे, अनीश मुझे बहुत ही मतलब क्लोजली जानते हैं, कई बार मिले, कई बार बात मीटिंग्स में बात हुई, ऐसी वाइब्रेंट मैंने नहीं देखा, मतलब एकदम यंग लड़का। और अभी 3-4 साल की भी सर्विस नहीं, 2018 बैच दूसरा रन बनाया गया, पेन लेकिन हम लोग इसको परस्यू करें। फिर सुना होगा मंजूनाथ, उनके साथियों ने भी लड़ा था जी सर, और इससे ज़्यादा मैं कुछ देर होंगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग को इस बात जी सर।
इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाती है फिर आगे भी पता होता है। जी सर, जी माँ छा का परिवार है, शक्ति है हमारे सफाई कर्मचारी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप कभी भी मुझसे किसी को भी कोई समस्या डायरेक्ट कर सकते। जी सर, एक टाइम वैसे तो हम रखते ही हैं कि कभी भी किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है डायरेक्ट करें, तो आप फ्यूचर में भी कभी भी आपके ऐसे कब मिलता है सबसे बात करते, ये भी एक श्रद्धांजलि रहेगी कि आगे से हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें अगर ऐसा कुछ किसी के साथ हो रहा जाए और भी किसी तरह का। जी सर, डायरेक्ट करें। मेरा नाम आशुतोष सिंह है, ग्राम विकास अधिकारी संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, समन्वय समिति का भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साथी अनिश चौधरी जी ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष थे, उनकी 24 तारीख को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अभी भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे और साथ में मुख्य विकास अधिकारी महोदय को हम लोगों ने ये ज्ञापन भी दिया। उसमें ये कहा गया है कि तत्काल जल्दी से जल्दी हत्यारों की गिरफ्तारी कराई जाए। और उसके बाद हम लोग फिर हमारी समन्वय समिति गोरखपुर की आगे का जो भी रणनीति रहेगी उस विषय में हम लोग बैठक करके आगे निर्णय लेंगे, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारे एक साथी, हमारे कुलीग श्री अनिश चौधरी जी का जो एक मर्डर हो गया था शनिवार को और उनकी उसमें डेथ हो गई, तो उसको देखते हुए सारे कर्मचारियों ने पंचायती राज अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और बाकी सारे कर्मचारी विकास भवन द्वारा उनको एक भावहीन श्रद्धांजलि दी गई है और उसी उपलक्ष्य में सब लोग अभी यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन मुझे देने के लिए कहा गया है, तो मैं अभी उनसे ले लूँगा और उसमें जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई और जल्द से जल्द न्याय मिले इसके लिए ज्ञापन देना है, जो हम लेकर तुरंत उसको SSP साहब के द्वारा पेश कर देंगे।